हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मोटोरोला ने बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है, जहां पर उन्होंने अपना 17,000 रुपये में मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस नाम का एक फ़ोन लॉन्च कर दिया है। और इस फोन में हमें बहुत ही ज़बरदस्त फीचर मिलते हैं, जैसे कि क्वालकॉम 730G, 64 MP का कैमरा और बिग बैटरी, वो भी पोको X2 से कम प्राइस में। तो क्या अब इस टाइम पर हमें पोको X2 लेना चाहिए या नहीं, या फिर आपको लेना चाहिए मोटोरोला फ्यूजन? तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फोन को शॉर्ट में सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं और कंक्लूजन भी करेंगे कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मोटोरोला फ्यूजन प्लस की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने कल ही एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप जरूर से चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इन दोनों फोन का कंपेरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है। पोको X2 का प्राइस 17,500 रुपए है 6+64GB स्टोरेज का, और वहीं मोटोरोला हमें 17,000 रुपए में मिलता है 6+128GB स्टोरेज वेरियंट के साथ में। तो डेफिनेटली इस टाइम पर हमें मोटोरोला काफी बेटर प्राइस और स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहा है, और ये फोन 24 जून से सेल में जाने वाला है। बाकी आप देखना ये है कि ये कितनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और वहीं पोको X2 इस टाइम पर काफी बार आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिला है। अब बात करें इन फोन के डिस्प्ले डिजाइन की, तो मोटोरोला में हमें ग्लोसी बैक पैनल मिलता है और वर्टिकल स्टाइल में क्वाड कैमरा और सेंटर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, बट वहीं पर इसमें प्लास्टिक बैक पैनल मिल जाता है। और वहीं पर पोको X2 में हमें ग्लास बैक पैनल मिलता है, जिसमें कि सेंटर में वर्टिकल क्वाड कैमरा मिलते हैं और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंट किया गया है। और वहीं इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो मोटोरोला में हमें 6.5 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, और इसमें फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है जो कि HDR10 को सपोर्ट करता है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, और मोटोरोला ने यहाँ पर काफी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड की है। और वहीं पोको X2 में 6.7 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें की पिल शेप का डिजाइन दिया गया है। और पोको X2 में 120 रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिल जाती है, विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी इसमें दी गई है। तो अगर आपको डिस्प्ले में कोई भी पंच होल या नोच पसंद नहीं है तो मोटोरोला बेस्ट है, बट इसमें सिर्फ 60Hz की डिस्प्ले मिलती है। और वहीं अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, तो पोको X2 काफी सही है। बट अगर आप फोन को 120Hz रिफ्रेश रेट पर चलाते हैं तो ये बैटरी भी बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है। तो ओवरऑल इन फोन के डिस्प्ले और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर पोको X2 में ज्यादा बेटर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, साथ में P2i कोटिंग भी दी गई है, बट वहीं पर मोटोरोला में हमें सिर्फ फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको किस तरीके का डिस्प्ले पसंद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके कैमरा की, तो इन दोनों ही फोन में हमें क्वाड कैमरा दिए गए हैं। मोटोरोला में हमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि सैमसंग का GW1 सेंसर मिल जाता है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। जबकि पोको X2 में हमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें कि सोनी का IMX686 लेंस दिया गया है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। तो आप दोनों ही फोन से 4K वीडियो, अल्ट्रा वाइड वीडियो, मैक्रो वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप फोन से काफी फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली सोनी IMX686 लेंस काफी सही है, बट इन दोनों ही फोन में आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। अब अगर इनके फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो मोटोरोला में हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि 16 MP का लेंस दिया गया है, और वहीं पोको X2 में हमें 20+2 MP का पंच होल कैमरा दिया गया है। तो स्पेक्स के अकॉर्डिंग पोको X2 का कैमरा स्लाइटली बेटर लग रहा है, बाकी जब मोटोरोला फ्यूजन हाथ में आ जाएगा तो असली कंपेरिजन तब होगा। अब इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही फोन में हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन 730G, जिससे कि डेली टास्क, मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों ही बड़ी कमाल की होने वाली है। बट यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है इनकी परफॉर्मेंस में, जैसे कि पोको X2 में 120Hz रिफ्रेश रेट मिलती है, जिससे कि आपको काफी अच्छी स्मूथनेस मिल जाएगी, बट इसकी वजह से बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। और वहीं पर पोको X2 में एंड्रॉइड 10 विद MIUI 11 मिलता है, तो थोड़ी से एड्स देखने को भी मिल सकते हैं। और अगर बात करें मोटोरोला की, तो इसमें हमें परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी मिलती है, और साथ में बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया मिल जाता है, और इसमें स्टॉक एंड्रॉइड 10 मिलेगा, जिससे कि 2 साल तक ये कंफर्म हो जाता है कि आपको अपडेट मिलने ही मिलने हैं। तो इसमें आपको कोई भी एड्स नहीं मिलने वाले, और साथ में स्टॉक एंड्रॉइड काफी बेहतर परफॉर्म करता है, बट वहीं पर इसमें आपको सिर्फ 60Hz की डिस्प्ले मिलती है। अब इनके रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो इन दोनों फोन में LPDDR4X रैम विद UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, बट वहीं पोको X2 में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, 6+64GB और 6+128GB, और वहीं मोटोरोला में हमें सिर्फ एक ही वेरियंट मिलता है, 6+128GB। तो यहाँ पर इन दोनों ही फोन में मैं कहूंगा कि फिर से मोटोरोला यहाँ पर काफी सही लगता है, क्योंकि सभी कंपनी को अब मिनिमम 128GB स्टोरेज देनी चाहिए, और मोटोरोला पोको X2 के 64GB वेरियंट से भी सस्ता है। अब बात करें इनके बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर मोटोरोला में हमें 5000mAh की बिग बैटरी मिल जाती है, जो कि 18W टर्बो चार्जिंग के साथ आती है, और वहीं पोको X2 में 4500mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर पोको X2 में थोड़ा कम बैटरी मिलती है, बट वहीं पर आपको चार्जिंग स्पीड ज्यादा मिल जाती है, और वहीं मोटोरोला में हमें चार्जिंग स्पीड ज्यादा मिलती है बट बैटरी बैकअप हमें ज्यादा मिलता है। अब अगर बात करें इनके कनेक्टिविटी फीचर की, तो दोनों ही फोन में हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप सी, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक जैसे सभी फीचर मिल जाते हैं, बट पोको X2 में हमें IR ब्लास्टर अलग से मिल जाता है, जो कि मोटोरोला
मोटोरोला में नहीं मिलता। अब इनके प्राइस की बात की जाए तो जैसा कि मोटोरोला में हमें सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है 6+128GB जो कि 17,000 रुपए में है, तो ये सच में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोटोरोला इतना सस्ते में ये फोन लॉन्च करेगी। और वहीं पोको X2 अगर अपनी प्राइस नहीं इंक्रीज करता तो ये मोटोरोला को पीछे छोड़ देता, बट अभी तो इनके 6+128GB 18,500 रुपए में मिल रहा है जो कि मोटोरोला से काफी महंगा है। और वहीं अगर इसकी 64GB वेरिएंट को देखा जाए तो भी मोटोरोला से ये महंगा है। तो वहीं दोस्तों प्राइस बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, अगर आप किसी फोन पर 1 से 2,000 रुपए बचा लेते हैं तो आप एक अच्छा हेडफोन ले सकते हैं। बट वहीं फीचर की बात की जाए तो काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं हमें पोको X2 में जो कि मोटोरोला में हमें नहीं मिलते। अगर इन दोनों फोन में से कोई एक फोन पिक करना हो तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इतना था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।